ये पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पे हम हर त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज मुहूर्त क्योंकि बहुत लेट था तो ये हमारी मजबूरी भी हो गई, तो कहते हैं ना कोई भी धार्मिक काम हो तो उसे मुहूर्त के हिसाब से करना चाहिए, तो आज का ये मुहूर्त 11:15 से पहले का था नहीं। और ऐसा कहते हैं कि होलिका का ये धूप यदि हम लेते हैं तो हमारे जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती और कोई तरह की हारी बीमारी नहीं होती, इसीलिए धार्मिक इसकी बहुत महत्ता है कि जो इसके धूप को मतलब ग्रहण करता है, इसकी परिक्रमा लगाता है, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता, तो इसकी धार्मिक महत्ता भी है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते हैं और इसका पूरा का पूरा लाभ लेते हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। देखिए ये हमारा पुराना, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये हमारा कल्चर है और हम कोशिश करेंगे कि इसको बचा के रखें और इसी तरह अपने इस पूरे शहर के सभी परिवारजनों के साथ मिलके इसी तरह इसको मनाते रहें जैसे हजारों साल पहले भी मनाते आए हैं। ये वही स्थान है जहाँ शायद आज से हजार साल पहले भी होलिका का दहन ऐसे ही हुआ करता होगा, तो कम से कम अपने इतिहास को जीवित रखने की एक छोटी सी मुहिम है, कोशिश है कि सभी परिवारजनों के साथ मिलकर इसको जीवित रखें। अब सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यही तो हमारे बाड़मेर का प्यार और अपनत्व है कि हम सभी मिलकर सभी त्यौहारों को हजारों सालों से इसी तरह मनाते आए हैं, उसी तरह आज हमने होलिका दहन में सभी परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत करी है और होलिका दहन का ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हम आगे भी इसी तरह अपनी जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं उनको जीवित रखते हुए इस बाड़मेर को अगले मुकाम तक लेके जाएंगे। 11:15 से ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन अब तक ऐसा आज तक नहीं हुआ कि सब इतनी देर तक वेट किया लोगों ने और पूरे शहर को मैं देख रहा हूँ। ये पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पे हम हर त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज मुहूर्त क्योंकि बहुत लेट था तो ये हमारी मजबूरी भी हो गई, तो कहते हैं ना कोई भी धार्मिक काम हो तो उसे मुहूर्त के हिसाब से करना चाहिए, तो आज का ये मुहूर्त 11:15 से पहले का था नहीं। और ऐसा कहते हैं कि होलिका का ये धूप यदि हम लेते हैं तो हमारे जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती और कोई तरह की हारी बीमारी नहीं होती, इसीलिए धार्मिक इसकी बहुत महत्ता है कि जो इसके धूप को मतलब ग्रहण करता है, इसकी परिक्रमा लगाता है, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता, तो इसकी धार्मिक महत्ता भी है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते हैं और इसका पूरा का पूरा लाभ लेते हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। आज के दौर में अगर बोले ना तो लोग बोलते हैं सब हाँ मान्यता है वगैरह, वो सारी बात की बातें हो गई, लेकिन आज शहर में हमने देखा किसी की होलिका का दहन नहीं हुआ जब तक आपने नहीं प्रज्वलित किया। देखिए ये हमारा पुराना, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये हमारा कल्चर है और हम कोशिश करेंगे कि इसको बचा के रखें और इसी तरह अपने इस पूरे शहर के सभी परिवारजनों के साथ मिलके इसी तरह इसको मनाते रहें जैसे हजारों साल पहले भी मनाते आए हैं। ये वही स्थान है जहाँ शायद आज से हजार साल पहले भी होलिका का दहन ऐसे ही हुआ करता होगा, तो कम से कम अपने इतिहास को जीवित रखने की एक छोटी सी मुहिम है, कोशिश है कि सभी परिवारजनों के साथ मिलकर इसको जीवित रखें। अभी तक हम सक्सेसफुल हैं और ईश्वर की मेहरबानी रहेगी तो आगे भी रहेंगे। कल जी रंगों का त्यौहार है, क्या मैसेज रहेगा आपका? सबसे यही कहूँगा कि इन रंगों के त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं और ये त्यौहार हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का एक संदेश देते हैं, तो इसी तरह हम सभी मिलजुल कर रहें और हर त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। थैंक यू, हैप्पी होली।